राजकोट में परप्रांतियों आज मीडिया कर्मचारी पर हुमला कर्यो हतो। शहर औद्योगिक विस्तार में परप्रांतियों द्वारा होबाळो मचावामां आव्यो हतो। जे घटनानो कवरेज करवा गयेला न्यूज चेनल पत्रकार की मजूरोए पिटाई करी। मजूरोए मीडियाकर्मी कैमेरो तोड़ी नाख्यो। मजूरो की ट्रेन रीशेड्यूल थता मजूरो उश्केराया, जे बाद तेमणे पोलीसनी साथे ज मीडियाकर्मी पर पण हुमला कर्यो। आ हुमला में पत्रकार ने इजा थई छे। कोरोना कहर ने डामवा आंकड़ाओं की मायाजाल। सरकार और एएमसी आंकड़ाओं में अनेक विसंगतता। सरकार द्वारा आंकड़ा छुपावानो थई रह्यो छे प्रयास। सुपर स्प्रेडर मौत और पॉजिटिव केस आंकड़ा में विसंगतता। पॉजिटिव केस की विगत कोर्पोरेशन द्वारा आपवानो बंद करायो। अमदावाद कलेक्टर कचेरी ना 11 कर्मचारी ने कोरोना। नायब मामलतदार दिनेश रावल कोरोना की मौत। अन्य 3 मामलतदार रिपोर्ट पण कोरोना पॉजिटिव। दिनेश रावल 15 दिवस करी रहा था कोरोना नो सामनो। अचानक तबियत लथड़ता थयु मौत। एक एडिशनल कलेक्टर स्ट्रेस ने कारणे उतर्या रजा पर। रेसिडेंट एडिशनल कलेक्टर ना पीए ने पण थयो कोरोना। अमदावादना गोतामां आवेला श्लोक परिसरना तमाम लोकोने कोरोना टेस्ट करवामां आवे तेवी मांग करवामां आवी। हाल कोरोनानो जोखम वधी रह्युं छे। अपार्टमेंटमांथी पण 100 थी वधु कोरोना पॉजिटिव केस निकले तेवी स्थानिकोए आशंका व्यक्त करी। अमदावादमां रेड झोनमां लोकोने सारवार आपवानो प्रयास हाथ धरायो। 10 कंटेनमेंट विस्तारमां एक वोर्ड प्रमाणे 4 वान मूकवामां आवी। रेड झोनने ग्रीन झोनमां लावा माटे तंत्रए कामगीरी करी। मेयरना हस्ते मेडिकल रथ शरू करवामां आव्या। दर 2 कलाके वान स्थळ બદલીને અન્ય સ્થળના લોકોને સેવા આપે છે। सरकारे खानगी हॉस्पिटल ने 50% बेड सरकार ने फाड़वा आदेश कर्यो। आ उपरांत कोरोना की सारवारना दर पर नक्की करवामां आव्या, परंतु तंत्रनी अणधड़ नीति ने कारण अव्यवस्था सर्जाई। कारण के खानगी हॉस्पिटल ने विश्वास में लीधा विना आ निर्णय करवामां आव्यो होवाथी परिस्थिति वणसे तेवा एंधाण। कोविड हॉस्पिटल माटे नक्की करेला दर ने लई सिम्सना एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर अनीश चंदारणाए कहूं, सामाजिक जवाबदारी समझी तमाम हॉस्पिटलों आगळ आवू पड़शे। हॉस्पिटल की फेसिलिटी व्यवस्था जोईने सरकारे दर नक्की करवा जोईए। हॉस्पिटले फी में फेरविचारणा करवी जोईए। अमदावादना मेयरना सामान्य कार्यक्रमों हवेथी शुरू थई जशे। मेयर बिजल पटेले धन्वंतरी रथनी मुलाकात लीधी हती। रेड झोनमां रहेता लोकोने प्राथमिक सुविधा मळी रहे ते हेतुथी धन्वंतरी अने संजीवनी रथनुं आयोजन करवामां आव्युं। 10 कंटेनमेंट विस्तार में 4 रथ मिलीने कुल 40 रथ फाड़वामां आव्या छे। अमरेलीना बगसरा में कोरोना पॉजिटिव केस आवता तंत्र एलर्ट। कोरोना पॉजिटिव विस्तार ने कंटेनमेंट विस्तार जाहिर करायो। आ विस्तार ना तमाम रस्ताओ बंद कराया। जिला पोलीस वड़ा सहित नो पोलीस काफलो अने आरोग्य विभाग की टीमे बगसरा पहुंचीने कार्यवाही करी छे। राजकोटना हॉटस्पॉट विस्तार एवं जंगलेश्वर में टोळाए पुलिस पर कर्यो पत्थरमारो। क्वारंटीन करायेली शेरीओना पथरा तोड़ी बहार निकळवानो प्रयास कराता शख्सों ने पोलीसे रोकता तोफानी टोळाए पुलिस पर कर्यो पत्थरमारो। आ साथे गाड़ीना कांच पण तोड्या। परिस्थिति ने काबू में लेवा पुलिसे टीयर गेसना सेल छोड़या अने केटलाकनी धरपकड़ पण करी। अमरेली जिला में कोरोना नो वधु एक केस पॉजिटिव आव्यो। सूरत थी आवेल 11 वर्षीय किशोर नो रिपोर्ट आव्यो पॉजिटिव। किशोर ने सारवार माटे सिविल हॉस्पिटल खसेड़ाया। तंत्र द्वारा संपर्क में आवेल तमाम ने क्वारंटीन करवानी प्रक्रिया कराई। अमरेली जिला में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 2 थी। साबरकांठा जिला में कोरोना नो आज वधु एक केस आव्यो। प्रांतिजना सीतवाड़ा 46 वर्षीय पुरुष नो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आव्यो। महत्वनु छे के साबरकांठा जिला में अत्यार सुधी में 33 कोरोना पॉजिटिव केस नोंधाया, तो जिला में अत्यार सुधी 3 व्यक्ति ना मौत थया छे। बनासकांठा जिला में कोरोना ना वधु 13 दर्दियों ने रजा आपी देवामां आवी। कोरोना की सारवार बाद सतत 2 वार रिपोर्ट नेगेटिव आता हॉस्पिटल में रजा आपवामां आवी। अत्यार सुधी जिला में कुल 65 दर्दियों स्वस्थ थया। खेड़ा जिला में कोरोना ना वधु 6 केस पॉजिटिव। नड़ियाद कपड़वंज और रढ़ू गाम में नोंधाया कोरोना ना केस। कपड़वंज इंद्रप्रस्थ सोसायटी में पति पत्नी रिपोर्ट पॉजिटिव। छेल्ला केटलाक दिवस थी खेड़ा जिला में वधी रहेला कोरोना केस तंत्र माटे चिंता नो विषय। खेड़ा जिला में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 47 पर पहुंची। जामनगर में राहतना समाचार। कोरोना 6 दर्दियों ने हॉस्पिटल में रजा आपवामां आवी। एक दर्दी देवभूमि द्वारिका ने अन्य 5 दर्दी जामनगर जिला रहता। सारवार बाद तमाम दर्दी नो रिपोर्ट नेगेटिव आव्यो हतो।
વડોદરાના ગોરવા વિસ્તારમાં આવેલ ભાઈલાલ અમીન જનરલ હોસ્પિટલમાં કોરોનાના કેસ વધતા પાલિકા કમિશનરે આપ્યા તપાસના આદેશ. પાલિકા કમિશનરે 3 સિનિયર ડોક્ટરોની તપાસ સમિતિની કરી નિમણૂક. રાજ્યનું સ્વદેશી વેન્ટિલેટર ધમણ 1 કોરોના દર્દીઓની સારવારમાં અસરકારક ન હોવાનો ઘટસ્ફોટ. ધમણ 1નો ઉપયોગ માત્ર સામાન્ય શ્વાસની તકલીફ માટે જ થઈ શકે તેમ છે. ધમણ 1 અને એજીવી કોરોનાના દર્દીઓમાં ધાર્યું પરિણામ ન આપતા હોવાનો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે. સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટે સરકાર પાસે 100 હાઈ એન્ડ આઈસીયુ વેન્ટિલેટરની માંગ કરી. સ્વદેશી વેન્ટિલેટર ધમણ 1 કોરોના દર્દીઓ માટે અસરકારક ન હોવાનો મામલે કોંગ્રેસ પ્રવક્તા મનીષ દોશીએ નિશાન સાધ્યું અને તેમણે સરકાર પર કર્યા પ્રહાર. સિવિલના તબીબોએ ઉભા કરેલા પ્રશ્નો અંગે મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી શું સ્પષ્ટીકરણ આપશે તેવું પણ તેમણે કહ્યું. વડોદરાના સાવલીના ધારાસભ્ય પ્રજાલક્ષી નિર્ણયનો અમલ કરાવવા મામલે મુખ્યપ્રધાને પત્ર લખ્યો. મુખ્યપ્રધાને વિડીયો કોન્ફરન્સમાં તમાકુની ખરીદી બજાર સમિતિ કરશે તે અંગે જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ તમાકુની ખરીદીમાં વિલંબ થતા કેતન ઇનામદારે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. રાજકોટમાં શાપર પાસે પરપ્રાંતીય શ્રમિકોએ હોબાળો કર્યો. લોકડાઉનમાં પોતાના વતન જવાની માંગ સાથે રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. મોટી સંખ્યામાં શ્રમિકોએ એકત્ર થઈને ગાડીઓના કાચ તોડ્યા. આ ઘટનાને પગલે પોલીસે આવીને કાર્યવાહી કરી છે.